रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथ कर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के 3रे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की 3री वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर, शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाक्षा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड मां के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज, तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग-अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज, तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज, तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के 3रे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की 3री वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है, जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दें तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथ कर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाक्ष मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग-अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हेइन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखें पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथ कर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दें तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथ कर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया, जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाक्ष मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है। अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है, जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दें तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथ कर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़क मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबाल का और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है, जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के 30 दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की 3री वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़क मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं तीन शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, विल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के 30 दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की 3री वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फुल हार्ट, फाइट हार्ट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दें तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए राखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कटाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथ कर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के तीसरे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट, फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानियां, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़क मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है। दोस्ती की कसौटी पर शादी को कस रही प्राइम वीडियो की ये सीरीज। तमन्ना भाटिया ने जमाया रंग, देखे पूरा रिव्यू। प्यार, दोस्ती और शादी ऐसा विषय है जिसे अलग अलग कहानियों में गूंथकर पर्दे पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन इसकी कशिश कम नहीं होती। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज जी करदा की सारी थीम इन्हीं 3 शब्दों की इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज मुख्य किरदारों के जरिए दोस्ती और प्यार के बीच फर्क करने वाली महिलाएं को खोजने की कोशिश करती है। कई बार ये लाइन इतनी बारीक होती है कि फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब एहसास होता है कि जिसे प्यार किया जरूरी नहीं शादी भी उसी से की जाए, या कोई बहुत ही ख्याल रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निमंत्रण है। जी करदा ऐसे ही जवाजी उन लाइनों की हल्की फुल्की दास्ता है जो अपने कथानक को बहुत ही बौखिल नहीं होने देती। ये उम्र के 3रे दशक में पहुंच चुके 7 दोस्तों की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे के साथ है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने व्यवसायों में बिजी है। कहानी मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया के किरदार लावण्या और सुहैल नय्यर के किरदार ऋषभ के इर्द गिर्द घूमती है। अपने दोस्तों समीर और शीतल की 3री वेडिंग एनिवर्सरी पर ऋषभ लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस वहीं से लावण्या का असमंजस शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऋषभ से वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये कंफ्यूजन तब है जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लावण्या का झुकाव अर्जुन की ओर है जो उसके असमंजस की बड़ी वजह है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, इन दोनों के बीच ऐसी समस्याएं आने लगती है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सीरीज का निर्देशन अरुणिमा शर्मा ने किया है, जिन्होंने अब्बास और हुसैन के साथ मिलकर फिल्म का लेखन भी किया है। कुल 8 एपिसोड्स की सीरीज की शुरुआत के साथ ही कहानी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाली है, मगर स्क्रीन प्ले और संवादों के जरिए इसे दिलचस्प बनाया गया है। जी करदा, बिल यू मैरी मी, बेबी तू तो शार्क है, फिल हॉट फाइट हॉट, ब्लड मून और जवानिया, यार की शादी, स्टारडस्ट और द बिग 30 शीर्षक के 8 एपिसोड्स में फैला है। दृश्य वर्तमान और अतीत में डालते रहते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत 2006 में इन सातों के बचपन से होती है। मेले में एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो इन सभी को किसी एक चीज से बचने की सलाह देती है। किसी को उसके पिता तो किसी को दोस्त से बचने की सलाह देता है। लावण्या को 22 साल यानी साल 2022 से बचने की सलाह ज्योतिषी देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 2022 में इन सभी किरदारों की मौजूदगी जिंदगी दिखाती है। सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे आते हैं जो कथ्य की वजह में नकल जाती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो गहरा असर छोड़ते हैं। समझ चाहे जितना आधुनिक और पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन उस सोच का क्या करेंगे जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल मिलने के बाद लावण्या जब ऑफिस पहुंचती है तो जॉब में उसे प्रमोशन मिलने की खुशी देने के लिए रखी गई सरप्राइज पार्टी में उसकी एक सहकर्मी कड़ाखा मरती है कि तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है, अब तो शादी होने वाली है। एक अन्य दृश्य में अनन्या सिंह का यंग स्टूडेंट उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि उसके पापा के पास महंगी कार नहीं है जिसके कारण उसका ब्रेकअप हो रहा है। ये दोनों अलग-अलग पीढ़ियों की मनोविज्ञान को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सामान्य कारण थोड़ा चौंकाता है। लेखन की सीमा और किरदारों के चित्रण के अनुरूप कलाकारों ने इन्हें निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रियल लाइफ में विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में तमन्ना ने शादी को लेकर कंफ्यूज लड़की के किरदार में सराहनीय काम किया है। उनका ये पहली हिंदी वेब सीरीज है। सभी कलाकारों के बीच बॉन्डिंग प्रभावित करती है और दर्शक इससे सामंजस्य बैठा पाते हैं। तमन्ना, संवेदना सुबालका और अनन्या सिंह ने कुछ दृश्य असरदार किए हैं। आशिम गुलाटी, सुहैल नय्यर, हुसैन दलाल और शायन बनर्जी अपने किरदारों में स्वाभाविक लगे हैं। लावण्या की फ्री स्पिरिटेड माँ के किरदार में सुमन जोमी है।